वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। भगवान वेदांत देशिक जी का जो तनियन हम प्रारंभ में हर वक्त बोलते हैं, इसका इसके पीछे यही आशय है। अगर वो हृदय में नहीं बैठे तो हमारे लिए वो कुछ भी अर्थ स्फुरित नहीं हो सकता। ये दास की जो दास का अनुभव भी है, अगर भगवान वेदांत देशिक जी का स्मरण करके बिना बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अर्थानुसंधान भी नहीं हो सकता। ऐसे सीधे श्लोक बोलते रहेंगे बस, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर एक बार भी वेदांत देशिक जी का स्मरण करके हम प्रारंभ करते हैं तो एक प्रकार की जो उनसे प्रीति बढ़ती है और उनको भी हमारे ऊपर प्रीति बढ़ती है, तो थोड़ा उनसे अभिलषित अर्थों को ये शब्द हमें बोधित कर देता है, बहुत उद्बोधित भी कर देता है, प्रबोधित भी कर देता है। इसलिए हम अक्सर श्रीमान वेंकटनाथार्य कविता कीक केसरी वेदांताचार्य वर्यो में सन्निधत्ताम सदा हृदि ऐसा बोलते ही और समाप्ति करते वक्त भी कविता कीक सिंह बोलते हैं। और पदवीं अदवीयसीम विमुक्ते अटवी संपद मंगुवाहयंतीम अरुणाचरसाभिलाष वंशाम करुणाम कारण मानुषीम भजामी ऐसा श्लोक। भजामी शब्द आने से ही हमें समझ में आता है मैं भजन करता हूँ उनको, उनको स्मरण करता हूँ, उनसे भक्ति करता हूँ, उनसे पूजा कर उनकी पूजा करता हूँ। सब अर्थ भज धातु से मिल जाता है। भजामी बजामी ऐसा मी प्र मी आने की वजह से अहम बजामी ऐसा अर्थ भी मिल जाता है। अहम मी नमामी अहम बजामी अहम स्मरामी अहम स्मरामी मद्भक्तम नयामी परमम गतिम अहम स्मरामी भगवान स्वयं भी अहम स्मरामी बोलते हैं। तो मी आता है तो स्मरामी से मैं स्मरण करता हूँ ऐसा वेदांत देशिक जी खुद का कर्तृत्व समझ कर ये मैं स्मरण करता हूँ ऐसा बोलते हैं। और कल आने वाले लोग अनुसंधान करने वाले लोगों को भी उत्तम पुरुष में अहम स्मरामि ऐसा बोलने से फर्स्ट पर्सन में बोलने की वजह से हम सबका भी स्मरण को भगवान को अर्पित करते हैं ये भी भावना उसमें से निकल जाती है। इतना सहजता से सब लोग बोलें ऐसा इस श्लोक को बोलें यही भावना उनके मन में रहा है, इसलिए अहम स्मरामि शब्द का प्रयोग करते हैं, हम बजामी शब्द का प्रयोग इधर करते हैं। पदवीं अदवीयसीम विमुक्ते हे विमुक्ते हे अदवीयसीम पदवीं भजामी विमुक्ते हे अदवीयसीम दवीय शब्द का मतलब है बहुत दूर रहने वाला को दवीय बोलते हैं। दवीयान वो तो गुणों से दवीय हैं का मतलब गुण रहित व्यक्ति को गुण से दूर है। गुणैर दवीय ऐसा बोल सकते हैं। दोषैर दवीय दोष नहीं है ऐसा अर्थ में दोषैर दवीय ऐसा दवीय शब्द बनता है। दवीयान दवीयांसौ दवीयांसः शब्द बनता है। और पद अदवीयसीम पदवीम पदवी शब्द स्त्रीलिंग होने की वजह से अदवीयसी शब्द है। अदवीयसी अदवीयस्यौ अदवीयस्यः स्त्रीलिंग में भी हो सकता है परंतु इधर स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया। अदवीयसीम पदवी विमुक्ते अदवीयसीम पदवीम विमुक्ति के लिए मोक्ष के लिए बहुत दूर नहीं बहुत निकटवर्ती एक पदवी है तो वो भगवान श्री कृष्ण। अगर कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण का आश्रय करने वालों को मोक्ष बहुत दूर में नहीं है। मुक्ते है अदवी असीम पदवी इतना सुंदर शब्दों का बहुत ही ऊंचा प्रयोग है बहुत ही उत्कृष्ट प्रयोग माना जाता है। दवीयान पापीयान अभी दुष्ट बुद्धि अभी निस्नेह पापीयान दवीयान ये सब शब्द बहुत सुंदर बनता है उसका प्रयोग करना भी बहुत ही आसानी लगता है और आसानी भी है और सुंदर भी है। दवीयान शब्द का भी प्रयोग कर ऐसा ही है। दवीयसी अदवीयसी अपोजिट वर्ड दवीयसी यानी अदवीयसी यानी बहुत नजदीक और मोक्ष के लिए बहुत नजदीक मार्ग कौन सा है कि भगवान श्री कृष्ण ही है। बाकी सब मार्ग भक्ति मार्ग हो या मार्ग हो सब ज्ञान मार्ग हो सब दूर है परंतु भक्ति के लिए बहुत नजदीक मार्ग तो भगवान श्री कृष्ण है ऐसा बोलने में तात्पर्य। अगर वेदांत देशिक जी 700 साल पहले ही इस तत्व को प्रकट कर दिए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे लिए आश्रयणीय है और बाद में आए हुए लोग विचित्रता से बता सकते हैं विभिन्न प्रकार से बता सकते हैं परंतु सरलता से पहले ही बता चुके हैं और
कहाँ हम लोग मना किए हैं कि दूसरे लोगों को बोलने की आवश्यकता पड़ गई, ऐसी परिस्थिति नहीं है कि बहुत सारे आचार्य बाद में कृष्ण भक्ति को प्रचार किए हैं, परंतु 700 साल पहले कृष्ण भक्ति को प्रचार किए हैं तो वेदांत देशिक जी, जिस वक्त कृष्ण के बारे में इतना संप्रदाय आज फैला हुआ संप्रदाय नहीं था, उस समय कृष्ण हो राम हो सबको एक मानकर सबके सबका एक ही संप्रदाय में समाविष्ट है, तो रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय में कृष्ण की पूजा भी, ये क्यों मैं बताता हूँ, और लोगों को श्रीमन्नारायण की पूजा ही हम करते हैं, कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, राम की पूजा नहीं करते हैं, ऐसी भावना नहीं है। कृष्ण श्री कृष्ण ही श्रीमन्नारायण है, श्री राम ही श्रीमन्नारायण है, ऐसा समझकर राम भक्ति शाखा कृष्ण भक्ति शाखा सबको पूरा कबलीकार कर दिए हैं रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय में जो नहीं हुआ है वो कोई और दूसरे संप्रदाय में कभी नहीं होने वाला। इस तत्व को आप समझ ले तो आपस में जो संबंध है वो सुधरेगा एक दूसरे संप्रदाय के प्रति। और रामानुज संप्रदाय में कृष्ण को नहीं मानते हैं, हम ही कृष्ण को मानते हैं, ऐसी भावना जो प्रकट करते हैं वो दूसरों को भी न केवल मूर्ख बनाते हैं स्वयं ही रह जाते हैं। और इस चीज इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि ये सब बहुत भुक्तभोगी है। पदवी अदवीय सीम विमुक्ते है अदवीय सीम पदवी अटवी संपदम अम्बुवाहयंती अटवी संपदम अम्बुवाहयंती। बहुत सुंदर शब्द है, क्या है समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सावधान सुने सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। अटवी संपदम अटवी यानी अभी प्रकृति में वृंदावन को ले, वृंदावन एक वन है, अटवी यानी वन है, कानन है, उसकी संपत्ति को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, बार बार बारिश चाहिए, अम्बू उसे अम्बुवाह यानी वह बादल है, और भगवान तो वैसे भी नील मेघ श्यामल है, मेघ के समान है, नया मेघ जैसा नील रहता है काला रहता है वैसा श्यामल है। ओ शायद इस नंदवन को अर्थात वृंदावन को सुंदर बनाने के लिए ही ये बादल आई हो, ऐसा सोचने लायक भगवान का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं अटवी संपदम अम्बुवाहयंतीम ताम देवताम करुणाम करुणामूर्तिम देवताम भजामि, क्योंकि बादल के लिए बहुत करुणा है, तो वो नीचे हमारे छोटे मोटे जो पानी का स्थान है उसमें से पानी लेता है और सूर्य किरणों के द्वारा पी लेता है, बाद में छोड़ देता है, और ज्यादा भी देता है शुद्ध भी देता है। हमसे थोड़ा बहुत हम दूसरों के ऊपर करुणा दिखाते हैं तो भगवान की करुणा बहुत कुछ हमारे ऊपर मिलता है। भगवान की कृपा पात्र बनने के लिए हमें क्या करना है, हम भी कृपालु बनना जरूरी है। वो बहुत ही मुश्किल है समझना, परंतु प्रत्यक्षता से देख रहे हैं, हम किसी के ऊपर कृपा करें तो जो मांगने वालों को कुछ दें और अथवा उनको तकलीफ को दूर कर दें तो हमारे तकलीफ को भगवान दूर कर, क्योंकि हमारे तकलीफ तो बहुत बड़ी लेवल की होती है, छोटे लोगों की तकलीफ छोटी छोटी सी तकलीफ होती है, और छोटी सी तकलीफ जब दूर करते हैं हमारा बड़े बड़े तकलीफ दूर हो जाते हैं। ये एकमात्र उदाहरण है कि इधर से थोड़ा सा पानी लेता है बादल, हमें गुणवत्ता में बढ़ाता है और उसकी जो माप में बढ़ाता है, और एक लीटर लेता है तो 10 लीटर देता है, ऐसा स्वभाव करुणा का, करुणा ही एक कारण है। बादल बहुत करुणामयी है, कृपामयी है, और भगवान वरदराज भगवान के बारे में बोलते वक्त हमसे संदेश में हमसको बताते हैं कि वरदराज भगवान करके एक बादल है, वहां बादल से तो डरते हो हंस, तू मत डरो, ये हंस ये बादल अलग प्रकार का बादल है, ये करुणामयी बादल है, ये गर्जन से तुझे भगाएगा नहीं ये बादल, परंतु बल्कि तुझे बहुत प्रेम करेगा ये बादल, ऐसा और हंस को प्रबोधित करके तू भी जाकर कुछ सेवा कर लो, अपने पंख रूपी व्यजन से भगवान को थोड़ा व्यजन सेवा कर दो, यानी थोड़ा हवा दे दो नजदीक में जाकर, और भगवान जब वहां के वन में विचरण करते हैं तब जाकर थोड़ा हवा उनको प्रदर्शन कर दो तो बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। इसलिए बादल के रूप से भगवान का वर्णन तो शास्त्रों में कई जगह पे हुआ है, नीलमेघ श्यामलहा ऐसा हम लोग भी बोलते हैं।
ऐसे अटवी संपदम अम्बुवाहयंतीम, अटवी संपत्ति को, अटवी की जो संपत्ति है, वृंदावन की संपत्ति है, उसको बढ़ाने के लिए स्वयं अम्बुवाह बन के रहे हैं। और शायद ये अम्बुवाह की वजह से ही, कृष्ण की वजह से ही ये वृंदावन चमकी है, ये स्पष्ट मालूम हो जाता है। इस चीज का भागवत जी में उल्लेख है, रमाक्रीडम अभून नृप, तब से लेकर ये वृंदावन रमाक्रीडम अभून नृप, जब भगवान का अवतार होने वाला है ये विषय मालूम हुआ, तब से लेकर लक्ष्मी जी का क्रीडन इधर होता रहता है, लक्ष्मी जी स्वयं इधर पहुंच गई है, ऐसा वर्णन वृंदावन की जो महिमा है उसको और मंडित करने के लिए प्रयोग किया गया है भागवत जी में। अरुणाथ रसाभिलाषवम श्याम करुणाम कारणमानुषीं भजामि। और ये तत्व कैसा है, एक है विमुक्तेः अदवीयसीं पदवीं भजामि, और अटवी संपदं वाहयन्तीं ताम करुणाम भजामि, और दूसरा है अरुणाधर साभिलाष वंशाम। अरुणाधर में अरुण रूप, अरुणाधर यानी लाल लाल जो वोंट है भगवान का, अरुणाधर कितना सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, और चंदस में भी बिटाना है और शब्दों को ही चयन करना है। अरुणाधर साभिलाष वंशम, अरुणाधर में अभिलाषा रखने वाली जो वंशी है भगवान का, और ये कवि तो यहाँ तक कहते हैं वंशी विभूषित, हाँ वंशी को देखकर प्रार्थना करते हैं, आप जब भगवान के समीप में जाओगे, अधरमणि समीपम प्राप्तवत्याम भवत्याम कथय रहस्य करने मद्दशाम नंदसूनो हूँ, और तू अक्सर अधर के पास जाने वाले हो, और तब तो अधर के पास जब जाओगे कान नजदीक पड़ेगा तुझे, वहाँ कान में मेरी बाबत के बारे में, मेरी मेरी तब मेरी जो तबीयत है, मेरा मेरी जो परिस्थिति है जीवन, उसके बारे में थोड़ा कान पे डाल दो ना, ऐसा अधर मणि समीपम, अधर अधर को मणि के रूप से वर्णन, रत्न के रूप से वर्णन करते हैं, अधर तो लाल रत्न ही है, अधर मणि समीपम प्राप्तवत्याम भवत्याम कथय रहस्य करने मद्दशाम नंद सुनो। अभी फोन जब उठाते हैं तब पता चलता है हम लोगों को कि फोन के मुंह नजदीक है और कान भी नजदीक है, और ऐसा एक तत्व भी आ गया है दुनिया में, पहले वेणु से ही भगवान सब लोगों से संपर्क करते थे, भगवान वृंदावन में विचरण करते वक्त वेणुगान करेंगे तो सब गोपस्त्रियों को पता चल जाता है कि अभी कुछ आज कुछ उत्सव होने वाला है, सब लोग पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार तो पूर्णिमा के दिन में, शरद पूर्णिमा के दिन में भगवान रासक्रीड़ा के लिए आह्वान भी वेणु के द्वारा ही किए थे, ये तो भागवत जी में स्पष्ट है। इसलिए ये वेणु यानी उसके ऊपर इतना प्रेम क्यों है, वेणु के ऊपर यानी उसका आवाज बहुत मीठा है, उतना ही नहीं है उसमें सप्तस्वर है, सप्तस्वर निकलता है, सप्तस्वर में मेन स्वर एक है परमात्मा है, बाद में सारी गामा पादा नीसा जो बनता है वो एक ही आवाज से, उसको बनाने की प्रक्रिया अलग अलग है, इसलिए अनेक मतमतांतर हो सकता है, सब भगवान के ऊपर ले जाने वाले ही हो सकते हैं, परंतु सबका भगवान एक ही है, वो मेन हवा है जिसमें पूरण करते हैं, हवा का पूरण करते हैं, वो अलग अलग संप्रदाय के रूप से इधर रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय इत्यादि अलग अलग सारी गामा पादा निशा हो सकती है, ये चीज को भी इनडायरेक्टली बता रहे हैं भगवान, कितना भी मार्ग हो सकता है भाई, मेन हवा तो मैं ही हूँ, ऐसा अनेक अनेक प्रकार से भगवान वेणु को चयन कर रखे हैं। और इतना ही नहीं, भ्रमर क्या करता है, ये तो नेचुरली आने वाला एक तत्व है, भगवान नेचुरल चीज को बहुत पसंद करते हैं, कृत्रिम पदार्थों को नहीं पसंद करते। उस दिन हम लोग ऐसे ऐसे भगवान को फल और कुछ ऐसी चीजें भगवान को जन्माष्टमी के दिन और हम निवेदन करते हैं कि वो सब वन में ही मिल सकता है, और वन में ही मिल सकता है, कड़ाकाय करके तमिल भाषा में बोलते हैं, बड़ा बड़ा रहता है वो, उसे अचार भी बनता है परंतु वो भगवान को बहुत पसंद है, इमली का छोटा सा इमली जो है, छोटा इमली का बनता है, वो बच्चे भी बहुत पसंद करके खाते हैं, कभी कभी स्कूल के बाहर भी बिकता है और गांवों में बिकता है, इधर शहरों में नहीं होता है, और वो भी भगवान को बहुत पसंद है।
इस प्रकार नेचुरल चीज को भगवान बहुत पसंद करते हैं। ये क्या करता है, ये भ्रमर क्या करता है, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक होल बनाता है, वो वंशी वृक्ष में और उसमें एक जगह पे होल बनाकर अंदर जाकर बनाता है कि अपने अंडे वगैरह रखते हैं। परंतु बाद में एक पता चला कि सर्प आकर अंदर घुस जाता है तो तकलीफ आ जाता है, तो दूसरा छेद करके सात छेद रखता है, सात आठ छेद रखता है। उसमें हवा जब भरता है अपने आप आवाज आता है, हाँ, क्योंकि हवा जब उसमें एक मेन होल में भरता है तब उसमें से निकलता है माही, और उसका वर्णन करता है कालिदास अपने रघुवंश में, सखी चकई मारुतपूर्ण रंधई पूजद्भिरापादितवंशकृत्यम, ऐसा शब्द का प्रयोग करते ही का मतलब जब आवाज होता है तब अपने आप वेणु का गान होता है वन प्रांत में, नेचुरली भ्रमर बनाता है, उसी को भगवान अपनाए हैं, नेचुरल तत्व को बहुत पसंद करते हैं भगवान। इसलिए अरुणाधर साभिलाष वंशाम, अरुणाधर में अभिलाषा करने वाला वंश, वंश को वंशी, वंश को अर्थात और उसे फ्लूट कहते हैं ना, वो भगवान से बहुत प्रेम रखता है, वो बनता ही बहुत कम है, कुछ वृक्षों से उसमें भी सिलेक्शन करना पड़ता है कौन से वंश वृक्ष से बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब देखकर उसमें चयन प्रक्रिया होती है। और जैसे हर फूल भगवान के चरणारविंद में नहीं अर्पित किया जाता है, और वैसे भी उसको मौका मिलेगा तो भी कुछ ही फूल जाते हैं, कुछ फूल भगवान के चरणारविंद में नहीं जाते हैं और अन्यत्र कहीं कहीं जाते हैं, वैसे वंशी जो है वो हर वंशी का ये सौभाग्य नहीं मिला है, मिलता है कि जो वंशी बनकर भगवान के हाथ में धारण किया जाए, ऐसी जो नहीं मिलता है। इसलिए उत्तम चेतन को ही भगवत सेवा मिलती है, सब लोगों को भगवत सेवा भी नहीं मिलता है, भगवान को सेवा करने का अवसर सब लोगों को नहीं मिलता है, भगवान चयन करते हैं, स्वयं चयन करते हैं। अरुणाधर साभिलाष वंशाम करुणाम कारणमानुषीं भजामि, वो करुणामयी मूर्ति है और जगत कारणभूति जो भूत जो मनुष्य है, वो जगत कारणभूत जो मनुष्य स्वरूप में रहने वाली उस देवता को भजामि, भजन करता हूँ, ऐसा श्लोक कितना सुंदर, यानी अनेक अनेक अर्थ हो सकते हैं, परंतु तो हमारे दिमाग जितना चलता है उतना ही हम कर सकते हैं। और ये गोविंद गोविंद भजन के लिए, भगवान गोविंद जी का भजन करने के लिए कितना भी मार्ग अपनाएं आप उतना मार्ग कम है, पदवी मदवी ये सीन कितना भी शब्दों का प्रयोग करें कम पड़ेगा, और उसमें 20 श्लोक में कितना खूबी लाए हैं वही इसमें हम लोगों का बहुत आश्चर्य लगता है। पदवी मदवी यसीम विमुक्ते अटवी संपदमं भुवाहयंतीम अरुणाधर साभिलाष वंशाम करुणाम कारणमानुषीं भजामि, सब शब्दों में स्त्रीलिंगता ही रखे हैं, क्योंकि कारणमानुषीं देवताम भजामि, उस देवता शब्द स्त्रीलिंग है, देवता शब्द को मन में रखे हैं, इसलिए मानुषीं देवताम भजामि, ऐसा श्लोक मीठा बनता है। श्लोक मिठाई में भी मीठा मिठास नहीं रह सकता है, श्लोक में मिठास कभी भी नहीं निकलता है, और उसका आनंद लेने वालों को ही वो पता चलता है, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब इसका आनंद जरूर लेंगे। और बाह्य जो हम मिठाई है उसमें शुगर बढ़ जाता है, इसमें शुगर कम हो जाता है। आज भी मैं 500 था, अभी कम होकर 130 में आ गया, इसका कारण श्लोकों के साथ रहना, श्लोकों को साथ नहीं रहना, शोक के साथ रहेंगे तो बढ़ेगा, श्लोकों के साथ रहेंगे तो कम हो जाता है। तो एक उपाय मैंने सचमुच ढूंढ निकाला, सदा के लिए मन में शोक विचार इत्यादि ही रखना, ऐसा हो गया वैसा हो गया मेरा नौकरी चला गया, ये सब सोचते रहेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएंगे, स्वयं खत्म हो जाएंगे। भगवान नौकरी नहीं दे तो क्या है, और कहीं ना कहीं तो भक्ति दे दिए है ना, ऐसा सोचकर आराम से रहना चाहिए ना, वो हमें नहीं आता, उसकी वजह से तकलीफ पड़ती है। बाद में शोक छोड़कर श्लोक में जब आ जाते हैं, शोक श्लोकत्व आगत, हाँ ऐसा वहां वाल्मीकि भगवान के बाबत में वो उनका मन में शोक था, यार ये पक्षी को मार दिया है, वो भी काम में उद्वेग था, उद्वेग में था,
कामोद्वेग में रहने वाला दो पक्षियों में से एक पक्षी को मार दिया, ऐसा उस बिल के ऊपर जो गुस्सा थी और शोक भी था वही श्लोक बन के आया, ऐसा वहां वानिषाद प्रतिष्ठान तुम आगम शाश्वती समाह क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। उसमें भी दो अर्थ निकलता है, एक मंगलमय अर्थ है, एक शापमय अभिशाप है, एक मंगलमय अर्थ है, ऐसा दो अर्थ उसमें से भी निकलता है। और बहुत ही आश्चर्य लगता है संस्कृत में ये जो खूबी है, संस्कृत भाषा में खूबी है और देवता में अपनी देवता में खूबी है और वैष्णव संप्रदाय में जो खूबी है, ये सबको साथ में रसपान करने से, इतना रस को पान करने से भी शुगर नहीं बढ़ता है, परंतु बाह्य चीजों बाह्य मिठास से मिठाई से बढ़ता है। तो आप समझ लेना कि क्या सेवन करने लायक। अनिमेष निषेवणीय मक्ष्णोः अजहद्यौवनमाविरस्तु चित्ते कलहायित कुन्तलं कलापैः करुणोन्मादक विभ्रमं महो मे। हर मंदिर में हम देखते हैं कि मिठाई बहुत बनता है, बहुत 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 बनता है, परंतु मिठाई के स्वरूप में भगवान विराजमान है स्वयं, तो इन दोनों में से किसको चयन करना है भक्तों के ऊपर ही आधार रहता है कि मिठास मिठाई को लेकर सर चले जाते हैं, पैसा लेकर खरीदते हैं प्रॉब्लम्स को प्रसाद के नाम से प्रॉब्लम्स को खरीदने के लिए पैसा देते हैं। अरे यार वो तो प्रसाद है, थोड़ा सा लेना चाहिए, प्रसाद को पूरा खा लेना, ये कितने कितनी बड़ी मुश्किल दायक होता है बाद में। भगवान रसो वैसा रसक दृश्येवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, रस स्वरूपी भगवान विराजमान है, उसका आंख से पी लें कितना भी पी लें कुछ नहीं करता है, उसमें इतना विषय भी है। और आज क्या भगवान का श्रृंगार किस प्रकार था उसके ऊपर ध्यान देने वाले कितने लोग हैं, मतलब देखिए कि आंख में बसाने वाले कितने लोग होते हैं उस स्वरूप को, और आंख में एक बार बसा दें तो 10 दिन तक मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलने वाले भी ताकतवर मिलते हैं लोग कि, परंतु ये क्षण में भी भूल जाने वाले बहुत लोग हैं, मिठाई बहुत याद रहता है। सो इधर अगले के श्लोक में जाएंगे, परंतु क्या चाहिए वो आप निर्णय करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार। अनिमेष निषेवणीय मक्ष्णोः, ये श्लोक में भी वही तत्व तो बोलते हैं, क्यों मैंने उसी चीज को दोहराया, उसके पीछे भी यही रस है, यही यही विषय है, रहस्य है। अनिमेष निषेवणीय, आंख बंद करके बिना सदा के लिए अनुभव करने लायक तत्व सामने है। अनिमेषम अनिमेषम यथा तथा निषेवणीयम, अनिमेष निषेवणीयम, अनिमेषः यथा तथा निषेवणी, अनिमेषः यानी एक बार आंख को पलक करना, पलक करके बिना पलक भी भूल जाना उतना आप दर्शन कर सकते हैं भगवान को। अनिमेष निषेवणीयम, निषेवणीयम सेवा करने योग, सेव शब्द के ऊपर नी उपसर्ग आने की वजह से उपसर्गात सुनोती सुवती ऐसा एक सूत्र है, उससे सकार का शकार हो जाता है तो निषेवनीयम बनता है, सेवनीयम है। अनिमेष सेवनीयम, अनिमेषम यथा तथा, थोड़ा सा भी निर्निमेष निर्निमेष सेवनीयम, ऐसा भी शब्द बोल सकते हैं, निर्निमेषम निमेश के बिना अर्थात बिना पलक सदा के लिए देखते रहना, यही शायद इंद्र प्रवृत्ति लोग निमेश को नहीं चाहते, हजार अंक भी चाहते, एक हजार अंक किसके लिए प्राप्त किए थे, भगवान का दर्शन करने के लिए इंद्र को एक अंक दो अंक से संतोष नहीं मिला तो वो सहस्राक्ष बने हैं, ऐसा हम ऊहा करते हैं, तर्क करते हैं, नहीं तो दो दो अंक से काम हो जाता है तो हजार अंक की क्या जरूरत थी उनको। अनिवे अनिमेष निषेवणीयम अक्षणो हो, परम भक्त है इंद्र भी, परम भक्त है, परंतु अहंकार बीच बीच में आ जाता है तो और भगवान गोवर्धन गिरी को पूजा करने के लिए आदेश कर दिए हैं, गोवर्धन पूजा करो इंद्र पूजा मत करो, ऐसा बोल दी। और अनिमेष निषेवणीयम अक्षणो हो, आंखों के लिए सदा के लिए पीने लायक अजहद यौवनम, कभी यौवन से मुक्त नहीं होने वाली देवता है, अजहद यौवनम, जहद यौवनम नहीं है, कभी यौवन नहीं निकलने वाला है, ऐसा अजहद यौवनम चित्ते आविरस्तु, मेरे मन में सदा के लिए प्रत्यक्ष स्वरूप लेकर बैठ जाए। अनिवेश निषेवणीय मक्ष्णो अजहद यौवनम आविरस्तु चित्ते कलहायित कुंतलम कलापैहि, जो भगवान मयूर पिंच को भगवान मोर पिंच को धारण करते हैं वो केश के साथ झगड़ा करता है, मैं सुंदर हूं या तू सुंदर है,
तो कलहायित कुंतलम, कलापई ही कलहायित कुंतलम, यानी कुंतल झगड़ा करता है कि मैं ही सुंदर हूँ, तू ही सुंदर है, ऐसा दोनों झगड़ा करते हैं। कलहायित कुंतलम कलापई ही करणोन्मादक विभ्रमम, भगवान का स्टाइल्स अपने इंद्रियों को बहुत ही उन्माद करने वाला, उन्मत्त करने वाला, पागल बनाने वाला है। कारण उन्मादक विभ्रमम का मतलब क्या है, उन्मादक तत्व यानी क्या है, शायद लागिनी पदार्थों का सेवन करने वालों को मालूम होगा। लागिनी पदार्थ यानी क्या है, मधु इत्यादियों को सेवन करने वालों की क्या हालत बनता है, वही हालत भगवान को ध्यान करने वालों को भी बनता है, एक प्रकार की एक उन्माद उन्मत्तता आ जाती है। और करणोन्माद का विभ्रमम, उनका स्टाइल्स ऐसा है, उनका स्टाइल्स यानी क्या है, उनका अंग अंगिक चेष्टा ही, भगवान का अंगिक चेष्टाओं को एक बार भी दर्शन कर लें, भगवान चलते फिरते भगवान को अगर एक बार देख लें, कोई भगवान को छोड़कर और कोई चीज को समझे समझेगा भी नहीं कुछ भी, परंतु नालत तूड़े नड़वाए हमारे सामने आकर एक बार छल के दिखाएं, तब जाकर पता चलेगा शिव जी की हालत क्या हुई है, और मोहिनी अवतार में मालूम है भगवान शिव जी को और अनेक अनेक राक्षसों को मालूम हुआ, अनेक अनेक देवताएं दर्शन किए हैं मोहिनी अवतार को, और बाद में लोग बंद कर दिए कि मैं ही बड़ा हूं, बोलना ही बंद कर दिए हैं, तब से लेकर विष्णु भगवान की प्रसिद्धि दुनिया में हो पाई, नहीं तो उसके पहले तो लोगों में विवाद था कौन है बड़ा। तो मोहिनी अवतार से ये स्पष्ट हुआ कि इतना बड़ा सुंदर स्वरूप किसी का है ही नहीं। आविलस्तु चित्ते कलहायित कुंतलम कलापैहि करणोन्मादक विभ्रमम महोमि महा, ऐसा जो तेजस है, मैं चित्ते आविरस्तु, मेरे चित्त में सदा के लिए आविरस्तु, प्रत्यक्षी प्रत्यक्ष हो जाए, प्रत्यक्षतापन्न दशा में हो जाए, क्योंकि आविर्भवतु अनिवृताभरणम, ऐसा हम पहले भी देखें, आविर्भवतु अनिवृताभरणम पुरस्ताद आकुंचितैक चरणम निवृतान्यपादम दधना निमंथ मुखरेण निबद्ध तालम, वहां भी आवि ही शब्द देखे हैं, यहाँ भी आवि ही यानी प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष हो जाए। अनुयायी मनोज्ञ वंशजानालय वंशनालयः अवतु स्पर्शित वल्लवी विमोहैः अनगस्मित शीतलै रसौ माम् अनुकंपा सरितं भुजैरपांगैः अनुयायी मनोज्ञ वंशनालयः। जब भी भगवान आएंगे, एक कहावत याद आती है, हाथी आएगा पीछे, उसकी जो बेल की आवाज होगा पहले, कभी भी हाथी आएगा तो उसका बेल मणि जो साइड में लम दोनों बाजू में एक एक मणि टांग देते हैं, कान में नहीं, शरीर में पूरा उसका पेड़ इस तरफ और इस तरफ, और वो आवाज आता रहेगा। ये पहले आएगा आवाज, बाद में आएगा हाथी, ऐसा एक कहावत है। यानी ऐसे ही वंश की अर्थात भगवान के हाथ में जो वंशी है उसका आवाज पहले आएगा, बाद में भगवान आएंगे। अनुयायी मनोज्ञ वंशनालय ही वंश नाल जो है, वंशी से आने वाला जो आवाज है वो आ रहा है, उसके पीछे भगवान आ रहे हैं। अनुयायी मनोज्ञ वंशनालयः अवतु स्पर्शितवल्लवी विमोहैः स्पर्शितवल्लवी विमोहैः। और अपांगैः का विशेषण है ये सब, भगवान का अपांगेक्षण है, भगवान का ये तिरछी नजर है, वो तिरछी नजर का ये सब विशेषण है। अवतु स्पर्शितवल्लवी विमोहैः, वल्लवियों का अर्थात गोपस्त्रियों का जो उन्माद है उसको प्रदान करने वाले हैं ये आंख के नजरें। आंख के जो नजर, आंख में क्या विशेषता है, आंख में जो नजर है वही विशेष है, ये भगवान का आंख का जो नजर है और वो गोपस्त्रियों को उन्मादक है, टॉक्सिकेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, इंटॉक्सिकेंट बोलते हैं, यानी वो भ्रामक है और वो उनको साथ में उनका माइंड को भी लेके चला जाता है।
कि चोरी करने वाला तत्व तो भगवान में ये भी एक तत्व है, न केवल माखन चोर है, वो स्त्रियों का हृदय का भी चोर है। इसलिए स्पर्शित वल्लवी विमोह ही अनघस्मित शीतल ही, शीतलता भी है उस 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 क्यों शीतलता है, चिलनेस है उसमें, शीतल है वो अपांग में। अपांग शीतल याने कैसे हो सकता है, अपांग में शीतलता कैसे आ सकती है, हम समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बोलेंगे तो कभी भी दोष रहित जो दृष्टि है उसमें गुणवत्ता के साथ रहने वाली जो दृष्टि है, कोप नहीं है, ताप नहीं है, ऐसा गुणवत्ता है तो वो दृष्टि एकदम छिलने से रहता है। और आचार्य की दृष्टि जो आचार्य कटाक्ष बोलते हैं, वो आचार्य कटाक्ष यानी क्या है, क्या विशेषता है आचार्य कटाक्ष के लिए, आचार्य कटाक्ष के लिए तब शिष्य सब शिष्य तड़पन क्यों रखते हैं। आचार्य ऐसे एक तत्व हैं जिनके मन में कोई भेदभाव नहीं रहता, तटस्थता रहती है, सब लोग अच्छे हो जाएं बस यही विचार रहता है, और मेरा ये शिष्य बड़ा हो जाए, ये शिष्य कमजोर हो जाए, ऐसी भावना नहीं रहती है, इसलिए उनके दृष्टि में शीतलता रहती है। और अपांग में शीतलता का मतलब यह है कि आचार्यों का कटाक्ष ऐसा होना चाहिए, और कम से कम ऐसे सुनने वाले लोगों में कई लोग आचार्य हो सकते हैं, तो वो लोग अपने मन में एक संतुलन रखें कि कोई अपना नहीं है, कोई भी भरा नहीं है, सब लोगों के ऊपर एक ही प्रकार के दृष्टि रखना है। ये भावना आचार्यों के हृदय में मन में सदा के लिए होना चाहिए, भले बाह्य विषय में किसी कोई अपराधी भी हो सकता है, कोई दुष्ट हो सकता है, कोई अपना ही विरोधी हो सकता है, परंतु स्वयं नहीं बिगड़ना चाहिए इसकी वजह से, ऐसा वो भी सही रहे, बस वो भी अच्छा हो जाए, वो भी हमारे सेवक बन जाए, वो भी भगवान का सेवक बन जाए, और उनको सद्बुद्धि प्रदान करें भगवान, यही भावना हमें रखना चाहिए आचार्यों के। ये आचार्योचित मर्यादा है, भले वो कितने भी दुष्ट हो, अनगस्मित यही आचार्य सार्वभौम भगवान श्री कृष्ण कमप्याद्यम गुरुम वंदे कमला गृह में दिनम, ऐसा जो भगवान श्री कृष्ण है वो स्वयं अघ यानी दोष है, अनघ और एक भी दोष ना हो ऐसा स्मयन उनका जो मुस्कान है, उस मुस्कान की वजह से वो अपांग क्षण शीतल बनता है। अनुकंपा सरित अंबुजैहि, देखिए नेक्स्ट और एक विशेष, वो अपांग कैसा रहना है, अनुकंपा रूपी कृपा रूपी सरित जो है एक प्रवाह है, उसमें खिला हुआ अंबुज है क्या, ये कमल है क्या, ये करुणा करुणामय एक सरित है, सरिता है, करुणामयी एक नदी है, उसमें बहने वाली एक नदी में आने वाला कमल है क्या, खिलने वाला कमल है क्या, ये आंख ऐसा सोचने जैसा रहने वाला आंखों से माम अनुकंपा सरिदंबुजई ही अपांगई ही अवतु रक्षण करी, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से, आप कितना भी सोचेंगे तो ऐसा शब्द भी नहीं आने वाला है हमारे लिए, ऐसी भाव भी नहीं खुलने वाला, यही आश्चर्य की बात है, मैं अक्सर करता हूँ, ये भाषा ही अलग है, न तो वेद ऐसा वर्णन कर सकता है, न तो सामान्य मनुष्य ऐसा वर्णन कर सकता है, भगवान हयग्रीव की कृपा से वेदांत देशिक जी से ऐसे मुखारविंद से निकला हुआ इन शब्द ये सब शब्द कैसे भगवान को स्पष्ट कर देता है, भगवान का हृदय को स्पष्ट कर देता है, यही आश्चर्य का विषय है। अनुयायी मनोज्ञ वंशनालयी अवतु स्पर्शित वल्लवी विमोहि अनगस्मित शीतल अनुकंपा सरिदंबुजैरपांगैहि अथराहित चारु वंशनालाः मकुटालंबि मयूर पिंचमालाः हरिणील शिला विभंग नीलाः प्रतिभासंतु ममांतिम प्रयाणे। बड़ी प्रार्थना है, भगवान से एक प्रार्थना करते हैं, हर एक में एक एक प्रार्थना तो होती ही है, अवतु ऐसा प्रार्थना इसमें पहले हुई है, ये प्रार्थना हमारे दिल को भी बहुत छूने वाला एक प्रार्थना है, हर एक व्यक्ति को यही चाह है, भले आज भगवान का स्मरण करते या नहीं करते हैं, आज उस दिन अंतिम समय आएगा तब स्मरण आएगा या नहीं आएगा मालूम नहीं है, अंतिम स्मरण तो जरूरी है, और भले शरणागत लोगों के लिए अंतिम स्मरण को आवश्यकता शास्त्र नहीं भी बताती है, अंतिम स्मरण ना हो तो भी भगवान का चरणारविंद में समर्पित आत्मा व्यक्ति प्रपन्न व्यक्ति को
अंतिम स्मरण नहीं चाहिए, यद्य भी बोला है परंतु है तो अच्छा ही है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं बात है। हाँ, अंतिम स्मरण भी हो और प्रपन्न भी हो तो क्या कमी है, इसलिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, अंतिम स्मरण की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलने वाले उनको वालों को भी ये समझना चाहिए कि अंतिम स्मरण भी चाहिए तो अच्छा है ना। अंतिम स्मरण जब नहीं होगा, कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, ऐसा ऐसी प्रार्थना किया गया है मुकुंद माला में, और ऐसे समय में स्मरण ना भी हो तो भी रक्षा करो, ऐसे बोलने में तात्पर्य है। अगर हो जाए तो बहुत ही आनंद की बात है। दो चीज, सोना में सुगंध, सोना में सुगंध है, ऐसी बात है कि अंतिम स्मरण प्रपन्न के लिए हो जाए तो आपत्ति क्या है, इसलिए प्रार्थना करते हैं। अदराहित चारु वंश नाला मकुटालंबी मयूर पिंच माला नाला माला हरिणी लशिदा विभंग नीला, कैसे ला को लास्ट अक्षर में रखे हैं, अलिटरेशन मेंटेन करते हैं, अनुप्रास को मेंटेन करते हैं। अधर आहित चारु वंश नाला, वंशी का जो नाल है वो अधर में आहित है, व्याप्त है, संपूर्ण अधर को अधर में व्याप्त है, ऐसा जो चारु वंश नाला है ना, इस स्मरण में होना चाहिए। स्मरण में क्या क्या तत्व, तीन तत्व को मांगते हैं भगवान का, तीन विषय सदा के लिए याद रहे हमारे हृदय में, अंतिम स्मरण में भी ये तीन तत्व याद आ जाए। एक है उनका वंशी, अदराहित चारु वंश नाला और मकुट आलंबी मयूर पिंच माला, मकुट में आलंबित निलंबित विशेष रूप से लंबित जो मयूर पिंच माला, मोर पिंच का मालाएं हैं, वो सदा के लिए मन में रहे। हरनील शिला विभंग नीला, और इंद्रनील शिला जैसा भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप इंद्रनील है, शिला जैसा है, इंद्रनील पत्थर बोलते हैं। अर्थात मुझे याद आ रहा है, क्षीर मध्य क्षिपे नीलम, नीलम चेत क्षीरम चेत नीलताम व्रजेत इंद्रनील सविज्ञेय, ऐसा सर्व संपत् प्रदायक, ऐसा रत्न परीक्षा के नाम के ग्रंथ है। उस रत्न परीक्षा नाम के ग्रंथ में लिखा है, और नील नील पत्थर को विशेष रूपी जो नील पत्थर है उसको अगर क्षीर में डाल दें, दूध में डाल दें, और दूध नील हो जाए और निकाल दें तो सफेद हो जाए। इस चीज को आप ओरिजिनल नीलमणि समझना है। और हमारे चैतन्य संप्रदाय में एक बहुत बड़े कवि थे, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उज्ज्वल नीलमणि ही करके ग्रंथ लिखे, उज्ज्वल नीलमणि ही ऐसा ग्रंथ का नाम है। वो उज्ज्वल नीलमणि कौन है, तो भगवान ही है, भगवान का ही नाम उज्ज्वल नीलमणि ही रखे। और उसी तत्व को इधर हरिनील, हरिनील हरिनील यानी क्या है, हरिनील है ना इंद्रनील, हरि शब्द का इंद्र भी मतलब है ना, हरि शब्द नव नव अर्थ में निकलता है, हरि शब्द का शेर भी मतलब है, इंद्र भी मतलब है। हरिनील इंद्रनील शिला जैसे विभंग नीला, वो जैसा रहेगा वैसा भंगी में उसी स्टाइल में रहने वाला नील वर्ण विशिष्ट भगवान, ऐसे जो प्रतिभा ऐसे जो तत्व है ज्ञान है, वो मम अंतिम प्रयाणे संतु, मेरे अंतिम प्रयाण के समय में ये तीन तत्व याद आ जाए। एक है वंश, दूसरा है मोरपिंच, तीसरा है हरनील स्वरूप है भगवान का, वो तीनों चीज को अंतिम स्मरण में प्रार्थना करते हैं। कितना सुंदर है, देखिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान में क्या खूबी है, बस तीन लय तीन चीज बताओ, भगवान के पास आपको पसंद, भगवान श्री कृष्ण में आपको पसंद तीन तत्व बताओ, बस तीन तत्व यही है, उनका कलर, उनके वंशी और उनके पिंच मोर पिंच, तीन बोल दें बस खत्म हो जाएगा। कि गांधी जी के बारे में बोलते वक्त एक चश्मा लगाकर ऐसे एक बोल देते डाल देते और दंड रखवा देते तो गांधी जी बन जाते। उसी प्रकार भगवान के लिए श्री कृष्ण के लिए एक मोर पिंच, एक वंशी, इतने में समझ में आ जाएंगे, और ब्लू चेहरा, बस तीन तत्व मन में आ जाएगा, तो बस अन्यून अनतिरिक्त हो जाएगा, किसी में नहीं है ये तीन चीज। अदराहित चारु वंश नाला मकुटालंबी मयूर पिंच माला हरिणी लशिला विभंग नीला
प्रतिभा सुरंतु मम अंतिम प्रयाणे कवितार्किक सिंहाय कल्याणम सारिणे श्रीमदेवे विदेशाय विदंत करवे नमः।